गुड इवनिंग गाइस, आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करके आप अपना 150 रुपये का विड्रॉ करके पिन परचेज कर सकते हैं और उसको कैसे करके आप दूसरे किसी का आइडिया एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो जैसे देख सकते हैं, मैंने RSU का ऐप खोला हुआ, उसके बाद यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ डैशबोर्ड लिखा हो, गो टू टास्क, उसमें क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ देखिए विजिट वेबसाइट लिखा हो नीचे में, वहाँ क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे गो टू वेबसाइट है उसमें आपको क्लिक कर देना। ये आपका क्रोम में पेज खुल गया। यहाँ जो 3 लाइन बना हुआ इसमें आप उनको क्लिक कर देना। RSU का बगल में जो है राइट साइड में 3 लाइन बना, उसमें क्लिक कर देना। उस पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए आपका वॉलेट लिखा हो तो वॉलेट में आपको क्लिक कर देना। वॉलेट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ ट्रांसफ़र टू पिन वॉलेट, यहाँ क्लिक कर देना। यहाँ जैसे कीजिएगा यहाँ पर देखिए आपका जितना मनी है, ठीक है, बैलेंस मनी में आपका मिनिमम 150 रुपये होना चाहिए, तभी जाके आप पिन परचेस कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर जैसे मेरा 234 रुपये है तो मैं यहाँ पर ही 150 रुपये का भी करता हूँ। यहाँ उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र लिखा हुआ, उसमें आप लोगों को क्लिक कर देना। तो यहाँ देखिए आ गया मैसेज, आ गया डू यू वांट टू प्रोसीड, तो इसमें ओके कर देना। ओके पे जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए मेरा जो 250 रुपये था उससे मेरा अभी पिन वॉलेट में 127 रुपये 50 पैसे चल गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब चेक करना है मेरे को कि मेरा आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पिन डिटेल में जाना है, फिर देखिए यहाँ पर ही पिन जनरेट बाई पिन वॉलेट से करना है, उसमें क्लिक कर देना। उसमें जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए मेरा यहाँ पर ही 127.50 रुपीज़ आ गया, तो यहाँ जनरेट पिन करके आ गया ऑप्शन, तो यहाँ पर जनरेट पिन में आप लोगों को क्लिक कर देना। तो वहाँ जैसे क्लिक कीजिए यहाँ आपका मैसेज आ गया स्क्रीन में, डू यू वांट टू प्रोसीड, मतलब कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसको ओके कर देना। ओके जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आ गया पिन वॉलेट 3.50 रुपीज़ आ गया, ठीक है। जो आपका जो 127 रुपये था तो उसमें से मेरा 124 रुपये कट गया, आखिरी 3.50 रुपये बच गया। फिर यहाँ पर ही ट्रांसफ़र टू पिन बाय वॉलेट में कर सकते हैं आप, नहीं तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है। ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना, फिर ये 3 लाइन पर क्लिक करना। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद पिन डिटेल जो लिखा हुआ इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अनयूज्ड पिन लिखा हो, उसमें आप लोगों को क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिन 124, पिन 148, पिन 1024, गोल्ड पिन 1000, गोल्ड पिन 1099। तो ये सारा में से आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ये कंडीशन है कि आपको इतना अमाउंट पहले आपको भेज देना। तो मैंने जैसे 124 रुपये यहाँ पर ही 150 रुपये भेजा था तो मेरा 124 रुपये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही जैसे कि किसी को अगर ये पिन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं किसी का आईडी एक्टिवेट करने में और अपने किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को अगर ये करना है आईडी एक्टिवेट करना है तो यहाँ यूज़ पिन में क्लिक कर देना। यूज़ पिन में यहाँ देखिए यूज़र आईडी, तो मतलब जिसका नंबर आपको एक्टिवेट करना है उसके यहाँ पर ही नंबर डालना, उसके बाद वैलिडेट यूज़र पे क्लिक कर देना। वैलिडेट जैसे यूज़र करेगा उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, उसके फॉलो करके आप उसका आईडी एक्टिवेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कैसे करके पिन जनरेट किया जाता है और कैसे करके आईडी एक्टिवेट किया जाता है ये पूरा प्रोसेस सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।